हेलो एवरीवन, आर्चल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम सीखेंगे कि आर्चल 6 में जब या वीएमवेयर यूज कर रहे हैं या ओरेकल यूज कर रहे हैं, तब उसमें कोई हम क्लोन बनाते हैं किसी मशीन का, तो हमारा जो लैन कार्ड है उसको एक, जैसे लैन कार्ड एक है eth0, तो उसको नेम जब भी क्लोन क्रिएट करते हैं तो उसको लैन कार्ड को नेम eth0 ना होकर के उसको क्या मिलता है eth1। तो वापस आपको क्या करना है, उसको रीनेम करना है। तो वो कैसे करते हैं इस वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर शो करूँगा, इफ कॉन्फिग eth0, सॉरी, तो इस नाम का इंटरफेस में कोई है ही नहीं। तो ऐसे जब भी आप क्लोन क्रिएट करते हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। यानी जब भी आप, जैसे आप अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस होगा इफ कॉन्फिग eth1, और जब भी आप इसको कॉन्फिगर करना चाहेंगे तब आप कमांड लिखेंगे, जबकि यहाँ पर क्या शो रहा है eth0, जबकि वहाँ पर शो रहा है जब भी आप कॉन्फिगरेशन चेक करते हैं eth1। ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए तब उसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं, ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी कॉन्फिगरेशन फाइल होती है उसको आपको एडिट करना है, vm/etc/udev, उसके अंदर रूल्स 70pn, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप क्लोन क्रिएट करते हैं तब एक नई एंट्री इसमें क्रिएट हो जाती है। तो ये जो नई एंट्री eth01 आ रहा है eth1, इसको आपको यहाँ पे जीरो कर देना है, और बाकी जो फाइल है उनको आप, जो एंट्री है सॉरी, उनको आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद एक बार अपनी मशीन को रिबूट करिए। जब तक रिबूट हो रहा है तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। ओके, हमारा मशीन शुरू हो चुका है, अब लॉगिन कीजिए। अब देखिए इफ कॉन्फिग eth0, सॉरी मैंने गलत देखा, इफ कॉन्फिग। अब देखिए यहाँ पे क्या सो रहा है eth0। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हो। अब इसके बाद आप यहाँ से वाईपी कॉन्फिगर करके देखिए, सेटअप, सर्विस नेटवर्क स्टार्ट, सर्विस नेटवर्क स्टार्ट, ओके, चेक कर लीजिए सिस्टम इंटरफेस। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है eth0। अब आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखिए eth0 का, आईपी कॉन्फ़िग eth0, तो देखिए आपने जो आईपी दिया था वो कॉन्फिगर हो चुका है। इस तरह आप जब भी इंटरफेस की प्रॉब्लम आए क्लोनिंग में तब आप इस तरह आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन एंड टू गेट लेटेस्ट वीडियोज अपडेट्स, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।